हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पहली है एसक्यूएल सर्वर की, ठीक है। और सर्वर के ऊपर हम काम करेंगे। इसके पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से काम चलाते रहे, आज हम सर्वर पे काम करेंगे और देखेंगे कि डेटाबेस में हम टेबल कैसे बना सकते हैं एसक्यूएल डेटाबेस में और सर्वर पर। तो सबसे पहले तो आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको इस तरह से ओपन करेंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर आ जाएगा और आप नेट से कनेक्टेड रहिए। जैसे ही ओपन होगा तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी और आप कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये बॉक्स खुल कर आएगा और आपको कनेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर जाइए, राइट क्लिक कर दीजिए, हमको न्यू डेटाबेस बनाना है, न्यू डेटाबेस पे चलते हैं। जैसे ही न्यू डेटाबेस पे जाएंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, तो मैं यहाँ पे इसे नाम दे देता हूं लाइक स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट DBMS, ठीक है, ये नाम दे दिया हमने और यहां पर ओके प्रेस कर दिया। और ओके प्रेस करने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसे ही से न्यू डेटाबेस, यहां पे डबल क्लिक अप कर दीजिए, ठीक है, और माई स्टूडेंट DBMS हमने नाम दिया था, तो यहां पर जाकर के, और अब हमें क्या करना है, यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेबल्स दिखाई पड़ेगा, तो अब हमको टेबल्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहां पर चल करके यहां से नई टेबल बनाएंगे, तो यहां से जाएंगे और अब टेबल बनाते हैं। तो ये देखिए कॉलम नेम आ रहा है, तो यहां पे कर देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, ये लिखा मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके। और फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर इसकी साइज 10 ही रहने देते हैं। फिर यहां पर आते हैं तो स्टूडेंट की सिटी, फिर एज ऐसे कर लेंगे। यहां पे साइज अगर आप चेंज करते हैं तो इफेक्ट पड़ेगा इससे। यहां पे एज कर देता हूं और एज में ये जो एन कैरेट डेटा टाइप है इसमें साइज रखूंगा 3, केवल 3 साइज रखूंगा, देखिए ये हो गया। और इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना है, ये जो सेव फाइल है इस पे क्लिक कर दीजिए। टेबल वन नाम आ रहा है, टेबल वन ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना करके हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे डेटाबेस का नाम था स्टूडेंट DBMS, तो अब हमें टेबल पे जाना है, ठीक है। ये जो टेबल है ना, यहां पे आएंगे और यहां पर जैसे ही आएंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा जो आपने टेबल बनाया है, ठीक है। यहां पर हम इसको एडिट करेंगे, एडिट टॉप 200 रोज, तो यहां पर जैसे ही आएंगे तो ये देखिए, ये इस तरीके से जो आपने हेडिंग दिया था, ऊपर दिया था, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप यहां से अब नेम एंटर करेंगे, स्टूडेंट का एज एंटर करेंगे, तमाम चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट का नेम कर दिया मैंने राम, लाइक इसको क्लोज करता हूं, यहां पर लिखेंगे राम, RAM, ठीक है, ये लिख दिया मैंने राम। और यहां पर सिटी आ जाएगी देवरिया, तो ये देवरिया सिटी लिख दिया मैंने। और यहां पर एज आएगी तो एज कर दिया 23, ठीक है। यहां पर आएंगे, यहां पे नल दिया हुआ है, अब यहां पे कर देता हूं अभी, ठीक है, और यहां पे देवरिया सिटी कर देता हूं, ठीक है, और फिर यहां पे कर दिया 25। इसी तरह से चलते आएंगे, यहां पे कर देता हूं ईशा, यहां पे कर देता हूं देवरिया सिटी, और यहां पे कर देता हूं एज 19, ओके। तो इसी तरह से और भी डेटा आप एंटर कराते चले जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आसानी के साथ आप डेटा एंटर करा पाएंगे। तो आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर आकर के हम डेटाबेस कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अब ये एक बहुत ही बेसिक सा वीडियो था कि आप कैसे एंटर करेंगे डेटा, ठीक है। आगे की वीडियोस में हम क्वेरी लगाना सीखेंगे और भी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।